फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और यहाँ पे ब्लॉग के स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह सुबह से, तो आइए फिर और आज कुछ संडे स्पेशल करते हैं। वाह, तो फ्रेंड आम का अचार, मिर्च और नींबू का अचार, और यहाँ आंवले का अचार, और ये पराठे। वाह, तो फ्रेंड्स हम आ गए रसोई में। यहाँ पे बनाते हैं हम आलू के पराठे आज। तो उसके लिए मैंने तैयार किया है ये थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, और ये अदरक, प्याज चौक बारीक चौक किया है। यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के भी रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने मक्के के आटा मिलाया है, इसलिए थोड़ा पीला पीला नज़र आ रहा है। बकाया बहुत ही सॉफ्ट गूदा हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ ही मेरे आलू पक चुके हैं। यहाँ पे मैंने गीठी भी उबाल रखी है, आप लोगों को कितनी बार दिखाती हूँ ना मैं, ये गीठी घर से लाई थी, तो बताती हूँ हाँ आप लोगों को कि ये गीठी कैसे होती है। कवर निकालती हूँ, देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आलू छील दिए, कोई कोई छिकल रह गए हैं क्योंकि नया वाला आलू है ना, उसके पतले छिलके। ये होती है गीठी, देखिए आप इस तरीके से। इसका भी छिलका मैंने उतार दिया है, ये इतना ज़्यादा पका नहीं है, टाइट है अभी। इसके पराठे इसके साथ मैं बना नहीं सकती हूँ क्योंकि ना इसमें ये बहुत टाइट है। देखो अभी कुछ चीज़ चाहिए मुझे, जैसे ऐसे ही होता है आलू की तरह ही होता है, थोड़ा कलर हटके होता है, ब्राउन ब्राउन कलर। तो फटाफट से बनाते हैं पराठे, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ओके, वो मुझसे बोल रही है आज मैं पराठे नहीं, उठते ही आज बोल रही है पूरी खाऊंगी। अब पूरी बनाती हूँ, उसके लिए एक काम करती हूँ कि कचौड़ी टाइप का बना देती हूँ, अंदर सीधे आलू डाल के और ऐसे ही तवे पर ही बना देती हूँ। वो पराठा नहीं खाएगी, अब पूरी बोल दिया तो पूरी खाएगी वो। ठीक है, बोल रही है आलू लेके चली गई, और एक क्या बोलते हैं इसको, गेठी लेके चली गई खाने के लिए। अब मेरे लिए पूरी बनाओ बोल रही है आज, बता नहीं बच्चे का भी मन ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आलू का मसाला बना के रेडी कर दिया है, और यहाँ पे आटा गूंथ के पहले ही रेडी रखा था, तो यहाँ पे इसके लिए बनाती हूँ मैं एक छोटी सी कचौड़ी टाइप की, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें डालती हूँ ऑयल, उसके बाद इसके लिए जो मैं बना रही हूँ ना छोटी सी कचौड़ी वो रख देती हूँ। बोली थी आज पूरी खानी है, मैं पराठा बनाने वाली थी तो बोली पूरी, मैंने कहा चलो एक बना लेती हूँ उसके लिए। तो पलट लेती हूँ इस तरीके से, घी में डालूंगी थोड़ा सा, तो इसकी साइड में पक जाएंगी ना। थोड़ा सा फूल रही है साइड से, इधर से फट गया थोड़ा सा, कोने से ना मेरे को फूल जाता, उसको बोलूंगी यही पूरी है। ये देखिए चारों से फूल गया अच्छे से, गर्म बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा बन गया ना कलर ये। छोटी सी पूरी जैसी बन गई और टेस्टी भी बन गई, इसके लिए लेके जाती हूँ अब। कचौड़ी, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू का पराठा, उसके लिए एक कचौड़ी बना के रख दी। तो यहाँ पे बना रही हूँ इस तरीके से, इसके अंदर फिल करेंगे, मैं तो ज़्यादा पफी पफी का बनाती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा मतलब आलू भर के स्टेप से। ये देखिए स्लोली हल्के हल्के हाथों से बेलते जाते हैं, बस बन जाता है। ये डाल दिया तवे पे, ये देखिए कैसे बनाया ना स्पाइसी टाइप। हाँ, गरम गरम हो रहा है, और मैंने इतना आलू इस पे डाला है ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। जो भी खाएगा ना आलू का पराठा बोलेगा यार वाह, ढाबे वाला स्वाद आ गया एकदम। रेस्टोरेंट में उतना नहीं, जो ढाबे होते हैं ना छोटे छोटे, उनका जो स्वाद होता है ना वैसा ही वाला स्वाद आएगा एकदम मस्त। और इतना पफी पफी बनाया आप देख सकते हैं, पूरा आलू ही आलू डाला मैंने इसमें, बस बन गई। यहाँ पे फ्रेंड्स पराठा बन चुका है, तो ये रहा पराठा। यहाँ पे मिर्ची और नींबू का अचार है, और यहाँ पे आंवले का अचार, और ये पराठा किस किस को खाना है जल्दी आ जाओ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे थाली बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये देखिए थाली रेडी है, आ जाइए फिर खाना खाना है तो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय।